है उसके जितने भी यहाँ पे जो हमारे दुकानदार हैं वो और जो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो भी आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक सीरियस कंसर्न के मुतालिक जो है यहाँ पे जो अनशेड्यूल पावर कट है उसके रिलेटेड पहले भी हमने जो है एक दो बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बींग अ यूथ एक्टिविस्ट मैं जो है लोगों की जो है बातें जो उनकी जो कंसर्न होते हैं वो मैं जो सरफहरिस्त रखता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन के जो है नज़र में जो है आपकी मुसाफतें जो पेश करता हूँ। हमारा जो पिछले एक दो महीने से जो यहाँ पे द्रहाल की जो लाइट है इसमें जो है अनशेड्यूल पावर कट है उसमें जो है जहाँ तक डिपार्टमेंट के द्वारा जो है हमें बताया गया उसमें जो कार्रवाई की गई है डिपार्टमेंट के द्वारा उसमें ये है कि न्यू पोल्स जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं 80% और जो न्यू केबल्स थी वो भी जो है वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो फील्ड के जो यहाँ पे मुलाजम हैं जो हमारे यहाँ के जेई हैं उन्होंने जो है अपना काम जो है भरपूर निभाया है लेकिन अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये जो जोरी जो है हमारा महल रिसीविंग जो स्टेशन है वहाँ पे गिल स्टेशन वहाँ से कुछ आ रही है सुनने में ये आ रहा है। तो इसलिए हम जो है मीडिया के द्वारा जो है जो एक्शन PTD है उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ जो ये अनशेड्यूल पावर कट है इसमें वो थोड़ा सा चेक करें इसको उसमें कोई कार्रवाई करें कि ये क्यों हो रहा है बार बार। इससे पहले भी हमें दो बार जो है मीडिया की मुसाफिर में हमने उन तक ये बात पहुंचाई है लेकिन उसमें जो है कोई भी जो है अभी तक जो है कार्रवाई जो है वो नहीं कर सके। तो मेरी जितने भी द्रहाल की आवाम है और द्रहाल की यूथ है जो गुब्बार मंडल है द्रहाल का उसकी जन्म से जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट जो डेवलपमेंट कमिश्नर जो है हमारे विकास कुंडल जी उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ जो है ये लाइट का जो इशू है इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिजॉल्व किया जाए और देखा जाए कि ये कमी जो है ये कहाँ पे आ रही है कहाँ पे चूक हो रही है लूप होल्स कहाँ हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इससे जो है आजकल जो है सर्दियाँ हैं सर्दियों में भी जो है लाइट अगर इतनी कंटेलमेंट होगी तो उससे बड़ी दिक्कत आती है उसमें हमारे जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम्स की जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं और भी जितने भी सेक्टर्स हैं हमारे जो पैरामेडिकल सेक्टर देख लो हमारे हॉस्पिटल्स देख लो जो हमारा बवार मंडल है हर जगह पे जो है लाइट की ज़रूरत है हमारे CSE सेंटर हैं। तो अगर लाइट इस तरीके से जो है अनशेड्यूल पावर कट लाइट में रहेगा तो ये चीज़ें जो है हॉस्पिटल्स में भी जो है वो दिक्कतें हर जगह पर आती हैं CSE सेंटर्स हैं हमारे और हमारे जितना भी बवार मंडल जो है वो आजकल होल लाइफ जो है वो डिपेंड है जो है लाइट बेस में ये एसेंशियल सर्विसेज में आती है। उमर दराज मिर्जा सरपंच थाना मंगसी डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी। आज द्रहाल की मार्केट में जो इस वक्त हम खड़े हैं सभी दुकानदार भाइयों की तरफ से एक गुजारिश की गई थी कि बिजली के लिए आप ज़रा सा जो है मीडिया पे आएं। मैं आपके चैनल की वसादत से जो है डिप्टी कमिश्नर रजौरी क्योंकि हम उन्हीं को इस वक्त अपील कर सकते हैं इस वक्त हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं वही हैं हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट का जितना भी दारोमदार है वो डिप्टी कमिश्नर साहब के हाथ में है। सर पिछले दो महीने से जो बिजली है वो इस तरह से गायब हो चुकी है जिस तरह से मतलब मैं यूं कहूँगा कि उसको या तो किसी फॉरेन कंट्री में शिफ्ट कर दिया गया है या द्रहाल वालों के साथ डिपार्टमेंट को अपनी कोई ज़ाती रंजिशें हैं जो यहाँ पर वो ख़त्म जो वो अपनी रंजिशें यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं एक तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो डिजिटल इंडिया का नारा दे रहे हैं वो डिजिटल इंडिया कब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप पूरी तरीके से बिजली के बहरान को ख़त्म नहीं करेंगे। लाइन डिपार्टमेंट जितना भी है फील्ड स्टाफ जितना भी है इंक्लूडिंग हमारे जो यहाँ पे जेई साहब हैं वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अगर रात को 1 बजे भी उनको फ़ोन किया है कि बिजली नहीं है तो उन्होंने रात को 1 बजे भी उठ के जो है वो स्टेशन चलाए हैं लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रजौरी की बिजली स्टैंड करने के लिए द्रहाल की बिजली काट कर रजौरी को दी जाती है और द्रहाल की जो है बिजली वो पिछले लगभग 1 महीने से जो बिजली है वो यहाँ पे नहीं है। विंटर्स आए हुए हैं बच्चों के एग्ज़ाम हैं और सबसे मैं आपको एक बात बताऊँ अच्छी कि ये हमारे दुकानदार भाई हैं यहाँ पे उनका बिल जो है एक मंथ का वो 5,000 आया है बिजली का और बिजली मेरे हिसाब से अगर पूरे महीने में रही होगी तो सिर्फ 6 दिन रही होगी यहाँ पे। LG साहब तक अगर मेरी बात पहुंचती है तो LG साहब आप एक नए जम्मू कश्मीर को बना रहे हैं और नए जम्मू कश्मीर में ये हालत है कि बिजली है ही नहीं है जो बेसिक नीड है जो हमारा फंडामेंटल राइट है वही हमें नहीं पूरी तरीके से मिल रहा है।
मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा, हमारे डिप्टी कमिश्नर राजौरी कुंदल सर से गुजारिश करूंगा कि सर इस मसले में आप जो है पर्सनली इंटरवेन करें और इस बिजली को जो है वो वागजार करवाएं, दरहाल की बिजली को। बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, बच्चे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बिजली ना होने की वजह से उनकी पढ़ाई जो है वो पूरी तरीके से स्नब हो चुकी है। छोटे छोटे कारोबार हैं, लोगों के दुकानें हैं, बिजली नहीं होती तो उनको 5 बजे अपनी दुकानें बंद करके घर जाना पड़ता है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि बिजली को, जो राजौरी की बिजली आप दरहाल की बिजली काट के जो राजौरी को आप चला रहे हो, दरहाल भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे साथ ये सौतेली माँ का सलूक ना किया जाए। अगर बिजली प्रॉपरली हमें नहीं दी जाएगी तो हमें मजबूर मत करिए कि हम रोड्स पे उतरें और एजिटेशन के लिए उतरें, अपने फंडामेंटल राइट के लिए उतरें। शुक्रिया।